नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास की पन्नो से यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट कीजिए। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी राज बिहारी बोस का जीवन परिचय। देश को आजाद दिलाने में हर क्रांतिकारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, फिर इस आजादी की लड़ाई में हर क्रांतिकारी और देशभक्त का सफर अलग अलग रहा है। कुछ क्रांतिकारी विलायत में भी जाकर दूसरे देशों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते थे। राज बिहारी बोस भी कुछ ऐसे क्रांतिकारियों में आते हैं जिन्होंने दूसरे देश में जाकर भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रयास किए थे। लेकिन राज बिहारी बोस को देश के बाहर जाकर क्यों रहना पड़ा, इसके पीछे भी लंबा इतिहास है। इतना ही नहीं, जब वे दूसरे देश में रहते थे उन्हें अपना नाम बदल कर भी रहना पड़ता था। राज बिहारी बोस का जीवन केवल इतने पर ही सीमित नहीं रहता, उनके जीवन में और भी खास और रोचक बातें हुई थी जिनकी जानकारी अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए क्रांतिकारी राज बिहारी बोस की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 20वीं सदी में जन्मे राज बिहारी बोस एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के सुबालदह गांव में हुआ था। बोस उनके मित्र सुभाष चंद्र बोस के साथ डुप्लेक्स कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल चारू चंद्र रॉय ने उन्हें क्रांतिकारी राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद राज बिहारी बोस ने कोलकाता के मोर्टन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद में राज बिहारी बोस ने फ्रांस और जर्मनी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बचपन से ही राज बिहारी बोस को क्रांतिकारी बातों में ध्यान देना अच्छा लगता था। सन 1908 में हुए अलीपुर बम के मामले को लेकर उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया था। वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में हेड क्लर्क का काम करते थे। वहां पर उनकी मुलाकात युगांधर से जुड़े अमरेंद्र चटर्जी और जतिन मुखर्जी से हुई। जतिन मुखर्जी से मिलने के बाद वे बंगाल में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में चुपके से हिस्सा लेने लगे थे। बाद में उनकी मुलाकात संयुक्त प्रांत और पंजाब में स्थित आर्य समाज के सदस्यों से भी हुई। कुछ समय के लिए राज बिहारी बोस पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भी रहते थे। राज बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग को जान से मारने की कोशिश की थी, उस कारण उन्हें कुछ समय तक छिपकर रहना पड़ा। 23 दिसंबर 1912 को किंग जॉर्ज पांच का दिल्ली में दरबार भरा था। उस दरबार से लॉर्ड हार्डिंग वापस आने के समय उसे मारने की कोशिश की गई थी। अमरेंद्र चटर्जी के शिष्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग पर बम डालकर हमला किया था, लेकिन उस हमले में हार्डिंग बच गया था। उस बम को मनेंद्रनाथ नायक ने बनाया था। इस मामले में अंग्रेज विशेष रूप से राज बिहारी बोस को पकड़ने में लगी थी, क्योंकि इस हमले के पीछे उनका हाथ था। इस हमले का मकसद लॉर्ड हार्डिंग को मारना नहीं था, बल्कि इस हमले से राज बिहारी बोस अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हमारा भारत देश अपनी मर्जी से गुलाम नहीं बनाए, बल्कि अंग्रेज सेना ने जोर जबरदस्ती करके देश पर कब्जा किया है और भारत के देशवासी एक होकर सामना करेंगे और देश को गुलामी से आजादी दिलाएंगे। असल में लॉर्ड हार्डिंग के साथ राज बिहारी बोस की कोई दुश्मनी नहीं थी। जिस दिन हमला हुआ था उस रात की ट्रेन से वे देहरादून चले गए और दूसरे दिन ऑफिस में रोज की तरह काम करने लगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देहरादून के कुछ लोगों को बुलाकर वॉइस रॉय पर हुए हमले की कड़ी आलोचना भी की थी। लॉर्ड हार्डिंग ने इस घटना का वर्णन माई इंजीनियर्स इस किताब में बहुत ही अलग ढंग से किया था। सन 1913 में बंगाल में बाढ़ आने के कारण उसे नियंत्रण करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग बंगाल में आए थे। उस वक्त उनकी मुलाकात जतिन मुखर्जी से हुई थी। उनसे मिलकर लॉर्ड हार्डिंग काफी प्रभावित हुए थे और जतिन मुखर्जी में उन्हें आम लोगों का एक सच्चा नेता दिखाई दिया। लॉर्ड हार्डिंग कहते हैं कि जतिन मुखर्जी से प्रेरित होकर ही राज बिहारी बोस अपने सभी काम करते थे। इसलिए जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तब गदर पार्टी में सबसे खतरनाक क्रांतिकारी राज बिहारी बोस ही थे और उन्होंने ही फरवरी 1915 में विद्रोह को तीव्र बनाने का काम किया था। गदर संगठन के सभी क्रांतिकारियों को सेना की छावनियों में छिपकर घुसने के लिए कहा गया था। गदर संगठन के सभी क्रांतिकारी लड़ने के लिए यूरोप गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे सोचा था उसकी बिल्कुल उल्टा हो गया और विश्व युद्ध के दौरान गदर संगठन के कई सारे सैनिक पकड़े गए और उन्हें कैदी बनाया गया, लेकिन राज बिहारी बोस कैद से बच निकले और सन 1915 में वे जापान पहुंच चुके थे। सन 1915 में राज बिहारी बोस जापान में रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार बनकर रहते थे और उन्होंने वहां पर खुद का नाम भी बदलकर प्रेरणा टैगोर रखा था। वहां पर वे केवल एशिया समूह के लोगों के साथ में रहते थे। सन 1915 से 18 के दौरान जापान में उन्हें कई बार अपनी पहचान और घर को बदलना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार उन्हें जापान से बाहर निकालने के लिए जापान सरकार पर दबाव डालती थी। वहां पर राज बिहारी बोस ने नकामुराया बेकरी के मालिक आइजो सोमा और कोक्को सोमा की लड़की से शादी की थी, जिसकी वजह से वे सन 1923 में जापान के नागरिक बन गए थे और वहां पर वे पत्रकार और लेखक बनकर रहने लगे थे।
जापान में उन्होंने भारत की स्वादिष्ट करी को बहुत ही मशहूर कर दिया था। उन्होंने जापान में जो करी मशहूर की थी वो अंग्रेजों की करी से थोड़ी महंगी जरूर थी, लेकिन काफी स्वादिष्ट लगती थी, और उस करी की वजह से रास बिहारी बोस भी काफी प्रसिद्ध हुए थे और लोग उन्हें नकामुराया के बोस इस नाम से बुलाने लगे थे। रास बिहारी बोस और एम नायर ने भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए और देश को आजादी दिलाने के लिए जापान की सरकार से मदद मांगी थी और उसमें वे कामयाब भी हुए थे। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान एक सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने का फैसला लिया था। उस सम्मेलन में उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए एक विशाल सेना बनाने का फैसला लिया था। 22 जून 1942 को उन्होंने लीग का दूसरा सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाने का और उन्हें लीग का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया था। जिन भारतीय सैनिकों को मलय और बर्मा में जापान ने कैद कर रखा था उन्हें इस लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था और बाद में वे सभी कैदी इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक बन चुके थे, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को की गई थी। आजाद हिंद सेना के झंडे का चुनाव रास बिहारी बोस ने किया था और बाद में उन्होंने उसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। आईएनए के सारे अधिकारी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, लेकिन उनके संगठन की रचना पहले जैसी थी, जिसकी मदद से आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को बनाया। रास बिहारी बोस की मौत होने से पहले जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। तो चलिए देखते हैं रास बिहारी बोस का निजी जीवन। सन 1918 में जब शिकंज शहर में रास बिहारी बोस तोशिका सोमा के घर में छिपने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी तोशिका सोमा से पहली बार मुलाकात हुई थी। तोशिका सोमा आइजो सोमा और कोक्को सोमा की बेटी थी। उनकी टोक्यो में बहुत बड़ी बेकरी थी और वे एशिया के लोगों के बहुत बड़े समर्थक थे। जब बोस तोशिका सोमा से मिले थे उस वक्त वे अंग्रेज सरकार से छिपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार उन्हें जापान में भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब वे उनके घर में छिप कर बैठे थे उस वक्त उनकी किसी से भी बात नहीं हुई थी, लेकिन सन 1916 में उन्होंने सोमा परिवार के सभी लोगों को खुद के घर पर बुलाया था, क्योंकि उन्होंने रास बिहारी बोस को उनके बुरे वक्त में मदद की थी। लेकिन जापान में सभी लोगों ने शक की नजर से देखते थे, क्योंकि वहां पर सभी लोग जापानी थे और रास बिहारी बोस भारतीय होने की वजह से सभी लोग समझ जाते थे कि वे जापानी नहीं। तभी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मित्सुन कोयामा ने बताया था कि तोशिको और रास बिहारी बोस की शादी कराई जाए। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से बोस बड़ी आसानी से जापान के नागरिक बन सकते हैं। वे जापानी न होने के कारण तोशिको सोमा ने शादी के बारे में सोचने के लिए 3 हफ्ते तक का समय दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी होने के बाद दोनों काफी खुश थे और बाद में रास बिहारी बोस ने पत्नी को बंगाली भाषा सिखाई। उन्होंने उन्हें साड़ी पहनना भी सिखाया था। सन 1923 में बोस जापान के नागरिक बन गए थे, लेकिन उसके बाद में तोशिको की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उनकी हालत धीरे धीरे और भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से सन 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। शादी के 8 साल बाद ही उनकी पत्नी गुजर गई थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद में कभी भी दूसरी शादी नहीं की। जब रास बिहारी बोस की मृत्यु हो गई थी तो उन्हें भी उनकी पत्नी की कब्र के पास में दफनाया गया था। रास बिहारी बोस और तोशिको को एक लड़का और एक लड़की हुई थी। रास बिहारी बोस ने देश को आजादी दिलाने में जो काम किया है वह काफी महत्वपूर्ण है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सेना की जरूरत होती है। जब उन्हें अंग्रेजों की ताकत का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि अंग्रेजों की सेना का मुकाबला करने के लिए अपने देश की भी एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, और इसी वजह से ही उन्होंने बड़ी संख्या में खुद की सेना खड़ी की थी। उस समय ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, देश में गुलामी होने के बाद भी खुद की सेना बना सकता है, और यह मुश्किल काम रास बिहारी बोस ने बड़ी चतुराई से कर दिखाया था। सेना बनाने के अलावा भी उन्होंने गदर संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन ने भी देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रास बिहारी बोस जैसे महान क्रांतिकारी को इतिहास के पन्नों से इस YouTube चैनल की तरफ से शत शत नमन। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपके विचार कमेंट के द्वारा हमें बताइए और यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए।